हीरामणी पीक, और ठीक इसके नीचे ये देख सकते हैं आप, ये है हीरामणी ग्लेशियर। तो दोस्तों देखो, जूते चप्पल हमने बहुत दूर उतारे हैं, बर्फ़ बर्फ के ऊपर हम चलेंगे बिना जूते चप्पलों के। ऐसा लग रहा है जैसे 440 वोल्ट का करंट लग रहा हो। अब तो आदत जैसी हो गई है एक दो दिन से बर्फ में चलते चलते। मॉर्निंग दोस्तों, कल हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी, बिल्कुल जमा देने वाली ठंड है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं पूरे पाले से टेंट और पॉलीसीटर के क्या हाल है। ये जम चुका है और इसके साथ बिल्कुल चिपक चुका है। ये देखिए, ये इसमें तो काफ़ी लेयर जम चुकी हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि अंदर कितना ठंडा हो रहा होगा, और यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी हुई है। मैं आज आपको नंदा कुंड लेके जाने वाला हूँ, तो आपको बने रहना है प्रॉपर चैनल पे वीडियो में। और सुबह का दृश्य आप देख सकते हैं, इस तरह का है दोस्तों। आप देख सकते हैं कल हमने यहाँ पे अपनी कैंपिंग की थी, और जो भी कूड़ा हमने किया था वो हमने अपने साथ बैग में पैक कर लिया है, उसको हम वापस जाके डस्टबिन में डालने वाले हैं। और ये मेरा मैसेज उन ट्रैकर्स भाइयों के लिए भी है जो पहाड़ों पर ट्रैक करते हैं और अपना कूड़ा वहीं पर फेंकाते हैं। तो दोस्तों ट्रैक कीजिए, लेकिन पहाड़ों का ख्याल भी आप रखिए। जो भी डस्ट आप करते हैं उसको अपने साथ लेके जाइए, और पहाड़ों को पॉल्यूशन से बचाइए। हेलो दोस्तों, आज हमारा ट्रैकिंग का फोर्थ डे है, और आज हमारी वापसी हो रही है यहाँ पे सर्पकुंड से नामिक विलेज की ओर। जीरो पॉइंट हम नहीं गए क्योंकि मेरे एक आध साथी जो है उनके पैर में क्रैम्प यहाँ पे आ गए थे, तो हमने डिसाइड किया है कि हम सर्पकुंड से वापस जा रहे होंगे। लेकिन पूरा जीरो पॉइंट तक का जो यहाँ पे ट्रैक रूट है वो एक्सप्लोर करके मैंने आपको दिया है। और दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि इस कुंड को सर्पकुंड क्यों बोला जाता है। सौ साल पहले ये यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था जिसे नंदा कुंड यहाँ पे बोला जाता था। ऐसा बोला जाता है कि नंदा माई रोज़ स्नान करने यहाँ पर आती थी, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पर किसी कारण से ये जो कुंड है ये यहाँ पे अशुद्ध हो गया। तब एक सर्प द्वारा इस कुंड को यहाँ पे तोड़ दिया, और जो नंदा कुंड है वो इससे 2 किलोमीटर ऊपर जाके वहाँ पर बन गया। आप देख सकते हैं इस कुंड में पानी एक सर्प के आकार पर चलता है। तो ये कुंड जब था उसको सर्प ने तोड़ दिया था, और तब से यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो एक सर्प की तरह ही यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, सर्प के आकार के इस कुंड को यहाँ पे फूटा कुंड भी लोग कहते हैं। पे जो अनियाल लोग कई महीनों तक रहते हैं उनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे कुंड के बीच में एक पत्थर है जहाँ पे रात के टाइम पे एक दिया अपने आप जलता है। दोस्तों सर्पकुंड से जीरो पॉइंट के लिए ये रास्ता जा रहा है, और इस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं जीरो पॉइंट। तो आप भी अगर जीरो पॉइंट जाना चाह रहे हैं, सर्पकुंड से अराउंड 4 किलोमीटर्स का ट्रैक करके आप पहुंचे होंगे जीरो पॉइंट। दोस्तों सर्पकुंड के दर्शन करवाने के बाद अब हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ के सबसे पवित्र स्थान नंदा कुंड में। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियोज के थ्रू आप पहुँचते हैं इतने पवित्र स्थानों में घर बैठे बैठे। दोस्तों नंदा कुंड के लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रैक रूट नहीं बना हुआ है, इसलिए हम लोग अपने बैग रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से पत्थरों से चढ़ते हुए पहुँचेंगे नंदा कुंड। हाँ, बैग इधर ही रख देते हैं फिर, है ना। शूज हेयर, सब उतारो, सॉक्स भी, हाथ पैर धोने पड़ेंगे तब जाओगे, और हल्ला गुल्ला नहीं। दोस्तों ये है नंदा कुंड, और आप देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल फ्रोजन है, और यहाँ पे पानी भी बहुत कम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये कुंड फ्रोजन हो चुका है। यहाँ पे होती है पूजा पाठ, जहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, और ये जो पत्थर यहाँ पे बिछाए हुए हैं ये हैं पटाल। इनके लिए ऐसा बोला जाता है कि देवताओं ने आके ये पत्थर यहाँ पर खुद से बिछाए हैं।
के बारे में हमारे प्रधान जी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि यहाँ कैसे पूजा होती है और उनके गांव से जो पूजा आती है वो किस प्रकार होती है। तो प्रधान जी आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो ये कुंड का मानना ऐसा है कि जो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, तो हमारे गांव में इसका मंदिर है, तो वहाँ से हर साल में एक बार यहाँ पर कुंड आते हैं, तो इधर से ब्रह्म कमल वगैरह तोड़ कर लेके जाते हैं, इसको मंदिर पर चढ़ाते हैं हम लोग, फिर लास्ट में उसको घर पर बांधा जाता है। फिर एक कुंड और है जहाँ पहले भीड़ में हम लोग भाई लोगों ने ऐसा बता रखा है कि मतलब वहाँ पे कुंड फूटा हुआ है, उसका मानना भी सही है। कुंड इसलिए फूटा हो क्योंकि वहाँ पे हिमाचल से बकरी वाले आए थे, वहाँ पे एक औरत रहती थी, उसके पीरियड होने के कारण वो वहाँ से पानी लेके कपड़े वपड़े धोया होगा या नहाए होगी, फिर तब वो कुंड ऐसे ही फूट गया सर्प का जैसा आकार है उसका, क्योंकि एक सर्प आके फिर उसको तोड़ दिया गया है, तो इसलिए कुंड यहाँ पे चेंज हुआ है। पूर्वजों का कहना है कि मतलब अभी ये उसी का चेंज भी हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिना इक्विपमेंट के कितनी रिस्की स्नो ट्रैकिंग हमारी हो रही है, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसलता है तो ये देखिए नीचे कैसा है, बिल्कुल गहरी खाई, पता भी नहीं चलने वाला है। ये वीडियो में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उससे कई ज़्यादा रिस्की हम लोगों के लिए। आप देख सकते हैं मेरे ट्रैकर्स कैसे अभी जा रहे हैं, हाथ रखते हुए चलो। हाँ सर्पकुंड और नंदा कुंड के दर्शन कराए हैं, और आज ही हमारी वापसी हो रही है बैक टू नामिक विलेज की ओर, तो रूट वही रहने वाला है, ट्रैक रूट जिस रूट से हम आए हैं। और दोस्तों कैसा लगा भाई लोगों? एकदम बढ़िया, मजा आ गया, काफ़ी मज़े किए हमने यहाँ पे स्नो में। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने वाली है, अगली वीडियो देखो आपको कहाँ की देखने के लिए मिलती है, मे बी की नामिक विलेज की एक और वीडियो आपको देखने को मिले कि नामिक विलेज में क्या क्या स्पेशल चीज़ें वहाँ पर हैं। और बोले भाई कुछ कहना चाहोगे दोस्तों को? यस, अब के एक साल के अंदर में जितने भी ट्रैक होंगे उन ट्रैक में मैं आपको दिखने के लिए नहीं मिलूँगा, क्योंकि अब इसके बाद मेरे को दिसंबर 1 से ट्रैकिंग की ट्रेनिंग के लिए जाना है जून, तो मैं आपको 6 महीने या 9 महीने के बाद ही मिलूँगा एक नए जोश और नए सुविधा और नए दोस्तों के साथ। तो भोले भाई हमें बहुत लंबे टाइम बाद मिलने वाले हैं ट्रैक में, और बाकी देखिए अगले ट्रैक में कौन कौन हमें मिलने वाले हैं। अभी सभी दोस्तों बाय बाय बोल दो। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग की वीडियोज आपको देखने को मिलते रहने वाली हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके अभी फ़िलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।